दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, वैद्यनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो वैद्यनाथ मंदिर हमारा कहाँ पे है? देवघर में है। हमारा अगला प्रश्न है, किदवंती के अनुसार वैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? रावण ने, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, देवघर स्थित वर्तमान वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया है? राजा पूरनमल, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर के निर्माता राजा पूरनमल का संबंध इनमें से किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था? गिद्दौर राजवंश, ठीक है। वैद्यनाथ मंदिर के निर्माण पूरनमल गिद्दौर राजवंश के किस क्रम के राजा थे? किस क्रम के राजा थे? तो वो कितने क्रम के थे? दसवें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो किस वर्ष कराया गया है? 1514 से 1515 के ईस्वी के बीच में। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर इनमें से किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था? तो किसने कराया था? राजा चंद्रमौलेश्वर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराने वाले राजा चंद्रमौलेश्वर इनमें से किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से संबंधित थे? वो गिद्धौर वंश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? हमारा जो भी ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में है, वो सारे कथन जो है वो सत्य, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में स्थित है? तो कौन सा मंदिर है स्थित, बताइए? मनोकामना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस मंदिर के को पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त नहीं माना जाता या नहीं माना गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, तपोवन मंदिर इनमें से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? देवघर में। अगला प्रश्न है, तपोवन मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा हमारा? हमारा ऑप्शन नंबर ए भी है और बी भी है, सी भी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? देवघर में। दोस्तों, हमारे सुमन क्लासेस में मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस करवाई जाती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो क्लास करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो।